कांग्रेस ने भी आक्रामक रूप अपनाते हुए भाजपा के परिवारवाद पर ही सवाल उठा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने हर किले को मजबूत करने में जुट गई। इसी के तहत जहां भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर रही है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। इसी के तहत भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर मतदाताओं को साधने का काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां भरतपुर से चुनावी शंखनाद किया, तो जोधपुर से कमान संभाली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब मेवाड़ की धरती पर उदयपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी ने PI-5 पर बैन लगाया, गहलोत जी के राज में कोटा में PA-5 की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया, भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जयपुर ब्लास्ट से लेकर कन्हैया लाल हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार तो कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ना ही नहीं चाहती थी, NIA ने कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ा है। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, NIA ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिसे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका अमित शाह के कन्हैया हत्याकांड पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया, कहा ये उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो किया वो है गैर जिम्मेदाराना कार्य। अमित शाह के एक एक आरोप का कांग्रेस ने जवाब दिया। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को अपनी पार्टी में परिवारवाद नजर नहीं आता। मैं नाम से कहता हूँ, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदय नदी को मुख्यमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। परिवार पार्टी है तो यदुप्रम जी, वो जो BS यदुरप्पा, उनका बेटा क्या है? क्या MLA नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या MLA नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह MP नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी, उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं है? क्या विजय वर्गीय जी जो हैं उनके बेटे MLA नहीं है? क्या हमारी किरण महेश्वरी जी थी, उनकी बेटी को आपने टिकट नहीं दिया? क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे रिश्तेदार को पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? 3 दिनों के भीतर भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा की नजर अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी। राजस्थान विधानसभा जीतकर बीजेपी साफ करना चाहती है
कि वो अभी से लोकसभा चुनाव के मोड पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़।